तो हे गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हार्डकोर मोड। तो आप लोग देख सकते हो अभी मेरा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हार्डकोर मोड चल रहा है। देख सकते हो हार्ड, बिल्कुल हार्डकोर जैसा। यहाँ पे मैंने एक वुल्फ को हिट कर दिया और वो लोग मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे रहे हैं और यहाँ पे मैं मर चुका हूँ। यहाँ रिस्पॉन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यू आर डेड लीव द गेम नाउ का ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, यानी कि हम मर चुके हैं, अब हम लोग रिस्पॉन नहीं हो सकते। तो अगर आप लोगों को भी हार्डकोर डाउनलोड करना है बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए जान लेते हैं इसकी डाउनलोडिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी डाउनलोड की। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऊपर में एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है इसलिए मुझे ये दिखा रहा है। आपको जैसे क्लिक करोगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको जाना है अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में, और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको हार्ड कोर मोड MC एड ऑन दिखेगा। उस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे आप उस फाइल पे, आपका माइनक्राफ्ट ऑटोमेटिकली ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट ओपन होने देते हैं थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ अपना माइनक्राफ्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसे ही आप ओपन होगा आपका इंपोर्ट स्टार्टर लिख जाएगा यहाँ पे, और हमारा इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली इंपोर्टेड हार्ड कोर मोड। जैसे ही आपका ये सारा चीजें लिखा देता है यानी कि आपका यहाँ हार्ड कोर मोड इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो सारी चीजें आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आपको प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग रिसोर्सेज पैक हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल 1-2 सेकंड। और यहाँ पे आपको प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप लोग सारी चीजों पर क्लिक करोगे आपका एक नया वर्ल्ड बना लेना है। यानी कि आप लोग क्या करना है कि आप देख सकते हो सर्वाइवल मेरा मोड है और डिफिकल्टी मेरा नॉर्मल है। तो अगर लोग डिफिकल्टीज अगर नहीं भी बदलोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो हार्ड पे चल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्टिवेट चीट्स, इसको आपको ऑन कर लेना है। बाकी का यहाँ पे रिसोर्स पैक में जाना है और माय पैक्स में जाने के बाद आपको हार्ड कोर मोड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और इसको एक्टिव कर लेना है। और उसके बाद रिसोर्स पैक में बिहेवियर पैक में जाना है और इसमें भी जाकर के एक्टिव कर लेना है। दोनों पैक को आपको एक्टिव कर लेना है और एक्टिवेट चीट भी कर लेना है। और जाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। अभी मेरे देख सकते हैं डिफिकल्टीज नॉर्मल रखा है, इसको अब मैं क्रिएट करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली मेरी डिफिकल्टीज हार्ड में कर देगा, क्योंकि आप लोग हार्ड कोर मोड सिर्फ हार्ड में खेल सकती है। तो अपने यहाँ पे जल्दी से वर्ल्ड जनरेट होने देते हैं। तो जल्दी से जनरेट हो जा भाई। तो यहाँ पे गाइज अपना वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए हार्ड कोर जैसा मेरा दिल हो चुका है। अगर आप लोगों ने जावा एडिशन में देखा होगा हार्ड कोर मोड, तो सिर्फ जावा एडिशन में ही हार्ड कोर मोड उपलब्ध है। तो यहाँ पे होता नहीं, अवेलेबल नहीं अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन पर, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है गाइज, बिल्कुल हार्ड आपको दिख रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिफिकल्टीज ऑटोमेटिकली मेरी हार्ड पे चली गई है। और अगर यहाँ पे देखोगे डिफॉल्ट गेम प्ले, गेम प्ले मोड और पर्सनल गेम प्ले मोड दोनों हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट किया हुआ है। आप देखो मैंने हार्ड, नॉर्मल, इजी, पीसफुल कुछ भी दबा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप लोग चाहो क्रिएटिव में जाना चाहो तो क्रिएटिव में भी नहीं जा पाओगे। यहाँ पे मैंने दोनों चीज क्रिएटिव कर लिया और इसको बाहर निकलते हैं, अब देखते क्रिएटिव हुआ कि नहीं हुआ। और देख सकते हो क्रिएटिव भी नहीं होगा आपका वर्ल्ड, यानी कि आपको फुल्ली सर्वाइवल में खेलना पड़ेगा हार्ड कोर मोड। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये, एक और बार देख लेते हैं कि यार चेक करके क्या हम लोग जा सकते हैं क्रिएटिव में। ओके, एक और बार क्लिक किया मैंने यहाँ पे क्रिएटिव, ऑटोमेटिकली सर्वाइवल हो जा रहा है अपना वर्ल्ड, यानी कि हम लोग क्रिएटिव में नहीं जा सकते गाइज। तो यार एक बात बिल्कुल अच्छा है, कोई चैटिंग नहीं कर पाएगा गाइज, और हम लोग हार्ड से पीसफुल इजी कुछ नहीं कर सकते यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा आ चुका है आयरन गोलम, और यहाँ आयरन गोलम को हिट करके देखता हूँ मैं। तो ये हिट किया और ये मुझे एक दिया हुआ फटका और यहाँ पे मैं मर चुका हूँ। यहाँ पे रिस्पॉन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे ही रिस्पॉन के क्लिक करेंगे यू आर डेड लीव द गेम नाउ का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो हम लोग मर चुके हैं, हम लोग नहीं खेल पाते। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा गाइस तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और भी मोड्स और गेम प्लेस के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।